नमस्कार बच्चों, आज अपना टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 करता है। ये बात हमने पढ़ी थी, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति करता क्या है, राष्ट्रपति को संविधान कौन से पावर देता है। तो बच्चों, आपने पहले भी वीडियो ने देखा है कि अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का निर्माण में राष्ट्रपति की भी क्या होती है बच्चों, भूमिका होती है। इसके अलावा बच्चों आपने ये देखा साधारण विधेयक, कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद उस पर किसके साइन की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 111 कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित होने पर कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति जी उस पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे। यहाँ पर भी किसी भी विधेयक के मामले पर राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या अपने पास भी रख सकता है। 3 स्थितियां होती है कि साधारण विधेयक जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए हैं, या तो उस पर साइन कर देगा या उसको बोल देगा पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। लेकिन अगर दोबारा संशोधनों के साथ आ गया तो राष्ट्रपति जी को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। उसके बाद आता है साधारण विधेयक अगर अपने पास रख लेता है, हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति जी को कितने समय अंतराल में विधेयक पर हस्ताक्षर करने हैं। और तो सबसे पहले अपने पास रखने वाले वीटो का प्रयोग किया गया था, यानी जेल सिंह द्वारा 1986 में, डाकघर संशोधन विधेयक आया 1986 में और इस समय सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। इसके अलावा कई बार राजेंद्र प्रसाद है, कई बार कई ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने वीटो का प्रयोग जो है वो विधेयक के मामले में किया था। बात आती है बच्चों धन विधेयक की, इसकी आती है धन विधेयक की। धन विधेयक जो कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसकी पूर्वानुमति देने का कार्य कौन करता है बच्चों, पूर्वानुमति देने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा बच्चों जितने भी संविधान में कोई भी विधेयक जो आता है वो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। और हमारी संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो भी राष्ट्रपति माना जाता है। अनुच्छेद 53(1) में आपने देखा कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है आपका 77 और अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 77 कहता है कि जितने भी कार्य संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत किए जाएंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, राष्ट्रपति ही उसके लिए उत्तरदायी होगा। जितने भी संघीय कार्यपालिका से संबंधित कार्य किए जाएंगे उसके प्रति कौन होगा, राष्ट्रपति भी
होगा। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है और इस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बच्चों एक अधिवेशन की बात करी थी आपसे, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन 108 में ये बात कही गई है कि अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, 6 महीने तक साधारण विधेयक पर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं हो, तो 6 महीने के बाद राष्ट्रपति जी के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इस संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जी बुलाने का कार्य करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा सत्र का आयोजन करना, स्थगित करना, भंग करना बोल सकते हो जिसको, भंग करना, ये पावर, सत्रावसान करना, ये करने का पावर भी अनुच्छेद 85 के अनुसार किसको है? राष्ट्रपति जी को है कि राष्ट्रपति जी जो है सत्र का आयोजन कर सकते हैं और सत्र का अवसान कर सकते हैं। जब लोकसभा गठित होती है बच्चों, तो लोकसभा के गठन पर जब पहले सत्र का आयोजन होता है तो उस सत्र का आयोजन का जो उद्बोधन करता है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक जो सत्र आयोजित होता है उस प्रत्येक सत्र में जो पहला अभिभाषण प्रस्तुत करता है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा को अगर भंग करना है तो भी राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो आपने पहला देखा, साधारण विधेयक के मामले में अनुमति देता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और अपने पास भी रख सकता है और वीटो पावर का क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। ज्ञानी जेल सिंह जो जिन्होंने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में इसका उपयोग किया था। इसके अलावा जो है धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है और संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान माना जाता है वो भी राष्ट्रपति जी को माना जाता है। इसके अलावा संसद का जो निर्माण होता है बच्चों वो भी राष्ट्रपति से मिलकर के ही होता है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन जब साधारण विधेयक पर गतिरोध पैदा हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन का क्या होता है? आयोजन किया जाता है और संयुक्त अधिवेशन भी बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। इसके अलावा सत्र का आयोजन, लोकसभा और राज्यसभा का जो पहला सत्र होता है उसमें उद्बोधन कौन देता है? राष्ट्रपति जी देने हैं। सत्र का अवसान करना है तो भी राष्ट्रपति जी उद्बोधन करते हैं। इसके अलावा लोकसभा को भंग करने का पावर भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 85 के अनुसार। लोकसभा का सत्र बुलाता है, प्रत्येक सत्र में अपना अभिभाषण देता है, विशेष अभिभाषण देने का पावर भी किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। इसके अलावा बच्चों एक चीज जो आपने सुनी होगी वो सुनी होगी अध्यादेश। क्या सुना है? अध्यादेश। अध्यादेश का उल्लेख बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में देखने को मिलता है। क्या है अध्यादेश बच्चों? देखो, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो लेकिन क्या करना हो, सत्र का अगर अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति जी के द्वारा देश में किसी कानून को लागू करने की आवश्यकता हो तो उस समय जो अध्यादेश लागू किया जाता है, उस समय जो कानून लागू किया जाता है बच्चों उसी को क्या कहा जाता है? अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। तो अध्यादेश का उल्लेख की बात करें बच्चों तो अध्यादेश का जो उल्लेख है उसके बारे में आपका अनुच्छेद कहता है 123। कौन सा अनुच्छेद कहता है इसके बारे में? 123। 123 क्या कहता है कि मान लो
मान लो लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, इसका अधिवेशन चल रहा है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा या दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो कानून लागू किया जाता है बच्चों, उसी को अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश वैसा ही है जैसे संसद का नियम है, और अध्यादेश उन्हीं सूची में से, संघ सूची के विषयों पर, जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश लागू कर सकते हैं। तो अध्यादेश कब लागू होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, उस स्थिति में क्या लागू किया जाता है? अध्यादेश लागू किया जाता है। और संसद को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने का अधिकार प्राप्त है बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ अध्यादेश। तो विधायी शक्तियों में ध्यान रखना बच्चों, संसद के सत्र का आयोजन करना, ठीक है। उसके अलावा संसद के सत्र का सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करना, संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य, इसके अलावा निषेधाधिकार का प्रयोग। छठा है विधेयक पर हस्ताक्षर, ठीक है। साधारण विधेयक पर पुनर्विचार कर सकता है। इसके अलावा अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस स्थिति में अध्यादेश लागू करने का जो पावर है वो किसके पास आ जाता है? राष्ट्रपति जी के पास आ जाता है। तो संसद के सत्र का आयोजन करना है, संसद के सत्र का सत्रावसान करना है, लोकसभा को भंग करना है, संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करना है, निषेधाधिकार का प्रयोग करना है, विधेयक पर हस्ताक्षर करने हैं, साधारण विधेयक पर पुनर्विचार करना है, और अध्यादेश का प्रयोग करने का पावर हमारा देश किसको देता है बच्चों? हमारा देश राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक कि राष्ट्रपति जी उस पर क्या नहीं कर दे, हस्ताक्षर नहीं कर दे। इसके अलावा बच्चों 83 के अनुसार, अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति और क्या कार्य करता है बच्चों? राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्या करता है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। किसको करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। इसके अलावा बच्चों लोकसभा अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस जो होते हैं उनको मनोनीत करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 331 के अनुसार। लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। इसके अलावा साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का पावर है अनुच्छेद 111 के अनुसार, ठीक है बच्चों। तो ये राष्ट्रपति जी की कौन सी शक्तियां हैं बच्चों? विधायी शक्तियां हैं जिनका वो उपयोग करते हैं, जिनका वो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब बात आती है बच्चों
कार्यपालिका की शक्तियों की कि राष्ट्रपति जी को कौन कौन सी कार्यपालिकाई शक्तियां प्रदान की गई है। तो बच्चों आप सब जानते हो, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, दोनों में पावरफुल है आपका राष्ट्रपति। हमारा भारतीय संविधान संघीय कार्यपालिका का प्रधान मानता है किसको? राष्ट्रपति को। किसको मानता है? राष्ट्रपति को मानता है। हमारे देश की संसदीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है किसको? राष्ट्रपति को। तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। इसके अलावा जो आपका राष्ट्रपति जी है वो अपनी सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को क्या करता है? नियुक्त करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति कई अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे पहला है बच्चों आपका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को चुनने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा नाम सुना होगा बच्चों महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी जो हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है, वो होता है बच्चों कौन? महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। इसके अलावा बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 315 के अनुसार। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विदेशों में जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनको परिपत्र प्रदान करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है और हमारे देश का प्रधान होता है, महान्यायवादी को चुनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनता है, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव करता है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। इसके अलावा अंतर राज्य परिषद का गठन करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति के हाथों में होता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, नाम भी सुना होगा बच्चों, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इनका गठन करने का कार्य भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो संघीय कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति। देखो बच्चों आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसको करता है? हमारे भारतीय संविधान ने कहा है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को क्या बना देता है? प्रधानमंत्री बना देता है। कौन? कौन बना देता है? राष्ट्रपति। लेकिन बच्चों कई बार स्थिति ये हो जाती है कि बहुमत किसी को भी नहीं मिलता और सरकार किसकी बनानी पड़ती है? गठबंधन की सरकार बनाने पर राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाने में राष्ट्रपति जी ने अपने विवेक का प्रयोग किया था। इसके अलावा आपके ये के नारायण जो है उनको प्रधानमंत्री बनाने में भी किसकी भूमिका रही है?
राष्ट्रपति की ही भूमिका रही है। तो गठबंधन सरकार में राष्ट्रपति कई बार अपने स्व विवेक का भी प्रयोग करता है और स्व विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद का क्या करता है, चुनाव करता है। क्या करता है? चुनाव करता है। और नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार को राष्ट्रपति जी ने अपने विवेक के आधार पर बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के बारे में भी राष्ट्रपति जी ने ही कहा था। तो ये राष्ट्रपति जी विदेशों में जितने भी राजदूत हैं उन सबको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी कार्य हुए। अब बात आती है बच्चों वित्तीय शक्तियां। देखो बच्चों, बात करें हम वित्तीय शक्तियों की, तो वित्तीय शक्तियों में आपने देखा क्या देखा? अनुच्छेद 112 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 112 कहता है कि मान लो बजट प्रस्तुत करना है। अनुच्छेद 112 कहता है कि साल में जितनी बार भी बजट प्रस्तुत किया जाता है वो बजट प्रस्तुत करवाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 112 के अनुसार इसके अलावा संचित निधि है, संचित निधि में से धन निकालना है तो अनुदानों की मांग भी राष्ट्रपति की परमिशन लेकर के की जाती है। तो और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो अनुदान दिए जाते हैं उनकी सिफारिश भी किसके आधार पर की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ध्यान से सुनो, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलता है, जिसकी नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति जी के हाथों में है। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है वो संसद में प्रस्तुत करवाता कौन है? राष्ट्रपति करवाता है। इसके अलावा वित्त आयोग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वित्त आयोग जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है, इस वित्त आयोग की जो प्रतिवेदन है वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो नियंत्रक और इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने नाम सुना भी होगा अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 109, धन विधेयक जो है वो किसकी पूर्वानुमति से आता है? उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आता है। और इसके अलावा कोई भी वित्त विधेयक अगर प्रस्तुत करना है उसमें भी अनुच्छेद 117 के अनुसार तो उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो बजट प्रस्तुत करवाता है, धन विधेयक उसकी अनुमति से आता है, वित्त विधेयक उसकी अनुमति से आता है, आकस्मिक निधि, एक आपने नाम सुना होगा बच्चों आकस्मिक निधि पर जो अधिकार होता है वो भी राष्ट्रपति का ही होता है। अगर देश में आकस्मिक रूप में धन की आवश्यकता होती है तो उस समय अगर संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता तो उस समय आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है अनुच्छेद 264 के अनुसार, अनुच्छेद 264। तो आज आपने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, कार्यपालिकाई शक्ति और वित्तीय शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। विधायी शक्तियों में सत्र का आयोजन करता है, सत्र का सत्रावसान कर सकता है और अभिभाषण प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है बच्चों? अभिभाषण प्रस्तुत करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को भंग करने का पावर भी इसके पास है अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करता है, निशेषाधिकार का प्रयोग करता है, ज्ञानी जेल सिंह के मामले में किया भी, विधेयक पर हस्ताक्षर करता है अनुच्छेद 111 के अनुसार, साधारण विधेयक पर पुनर्विचार भी कर सकता है, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो उस समय अध्यादेश लागू कर सकता है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका में अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, 75(1) के अनुसार उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को नियुक्त किया जाता है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद को चुनता है, महान्यायवादी को चुनता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करने का कार्य भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट प्रस्तुत करता है, संचित निधि में से धन निकालना है तो उसकी अनुमति देना है, अनुदान जो किए जाते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनुदानों की आवश्यकता है तो उसकी सिफारिश भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है, वित्त आयोग की रिपोर्ट को या प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने का कार्य भी राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो आज आपने राष्ट्रपति के 3 पावर पढ़े, विधायी शक्तियां, कार्यपालिकाई शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। आगे के वीडियोस में बच्चों हम आपातकालीन शक्तियां, न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर दें और कक्षा 12th में जो राजनीति विज्ञान के मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो बच्चे साथ में कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइए। धन्यवाद।